साक्षात भगवान विराजमान हो गए, भगवान पधारे हैं। क्योंकि श्रीमद्भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा कीर्त्यते श्रूयते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम्। जहां पर भगवान की कथा होती है, उद्घोष है, व्यास जी का कथन है कि वहां पर भगवान अवश्य अवश्य पधारते हैं। श्री कृष्णस्तत्र निश्चितम्। अवश्य पधारते हैं। तो भगवान प्रकट हो गए, भगवान मुस्कुराए और बोले कि मैं कहां रहूं। बोले नारद जी, बोले भगवान आप तो कहा करते हैं, क्या कहा करते हैं? नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। महाराज, मेरे भक्त जहां गाते हैं, जहां मुझे पुकारते हैं, मैं वहीं पर विराजमान हो जाता हूं। सो प्रभु, आपकी कथा हो रही है, आप विराजमान हो। बोले आप आदेश करें। बोले आप भी भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाइए। फिर तो भक्ति के साथ जहां भक्ति है वहां भगवान है। भगवान भी वैष्णवों के अंतःकरण में आकर के विराजमान हो गए। पंचोग्र पापा छल छद्म कारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये, ब्रह्म स्वपुष्टा मलिना दुराशया, ब्रह्म स्वपुष्टा। ब्राह्मण का धन खाने वाले कितना जघन्य काम है, कितना बुरा काम है। ब्रह्म स्वपुष्टा मलिना दुराशया, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। वो भी मुक्त हो जाते हैं जो ब्राह्मण का धन खा जाते हैं, जो छद्मी होते हैं, जो छल करने होते हैं, जो ब्रह्म हत्या करने वाले होते हैं, जो गोहत्या करने वाले होते हैं, ऐसे जिनका कभी कहीं कोई उद्धार ही नहीं है, वह भी इस पवित्र श्रीमद् भागवत कथा की महिमा से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब ऐसी महिमा सुनी तो महाराज आगे फिर कथा हुई और बोले, सूत जी बोले, अब मैं तुम्हें एक उपाख्यान सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। महाराज, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक बहुत सुंदर नगरी थी और उस नगरी में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। उसकी पत्नी जो थी, उस आत्मदेव ब्राह्मण की, जो परम विद्वान ब्राह्मण था, परम संतोषी ब्राह्मण था, परम भक्त प्रधान भक्ति प्रधान ब्राह्मण था, ऐसे उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधली। समस्त क्षेत्र के लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे, उनकी बड़ी पूजा करते थे, उनका बड़ा आदर करते थे और समस्त समस्त शुभ कार्यों में पंडित जी ही सर्वप्रथम आकर के ऐसे शुभ कार्यों का आयोजन करते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके कोई बेटा नहीं था, उनके कोई संतान नहीं थे। एक दिन पंडित जी जब अपने घर से निकल रहे थे, प्रातः काल का समय था, तो मेहतरानी जो सामने से आई, पंडित जी घर से निकले, मेहतरानी ने पंडित जी को जो ही देखा तो मेहतरानी पंडित जी से मुंह फेर करके खड़ी हो गई। पंडित जी समझ गए कि मैं निपुत्री हूं और पुत्र के बिना मेरी कोई गति नहीं है, यह मेरा मुंह देखना नहीं चाहते। बहुत दुखी पंडित जी, बहुत दुखी, और लौट गए और जाकर के घर के अंदर प्रायश्चित करते लगे और रोने लगे। अंत में उनको एक उपाय सूझा और वो उपाय को सोचते सोचते बोले, आज या तो परमपिता परमात्मा की कृपा से कोई युक्ति बनती है, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा।
ऐसा विचार करते हुए महाराज आत्मदेव आत्मज्ञानी पंडित अपने घर से निकल पड़े। दिन चढ़ने लगा, घर से निकले निकले चले जा रहे हैं, जंगल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और दोपहर के समय वो बियाबां जंगल में पहुंच गए, घोर जंगल में पहुंच गए। गर्मी का समय है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ऊपर से सूर्य की तीव्र धूप तीव्र गर्मी उनको और सता रही है, बड़े परेशान हैं, चलते चले जा रहे हैं, बहुत दुखी हैं और भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आज तो आपको मेरा आप तो आपको मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। भगवान नाम का सहारा लेते हुए भगवान की मूर्ति का चिंतन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। उस दूरी पर जब वो चले आगे देखते हैं कि सामने से एक संत दिखाई देने लगे। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे भयंकर समय में दोपहर के समय महात्मा संत बिना पदत्राण के चले आ रहे हैं और ये कहां से प्रकट हो गए। जैसे ही ब्राह्मण ने इन संतों को देखा, इन संत को देखा तो जाकर के चरण पकड़ लिए, लोटपोट हो गए, चरणों को छोड़ते नहीं है और ढाई मार करके रोने लग गए, विलाप कर करके रो रहे हैं, मैं क्या करूं। संत कोमल चित्त होते हैं, दयालु होते हैं, करुणा युक्त होते हैं, ऐसे करुणा पर संत ने ब्राह्मण आत्मदेव को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। देखा कि ब्राह्मण तिलक लगे हुए हैं, सुंदर चोटी धारण किए हुए हैं, पहचान लिया, ब्रह्मोचित चिन्हों को देख करके पहचान लिया कि ब्राह्मण। बोले ब्राह्मण भैया उठो, तुम क्यों इतना विलाप कर रहे हो, इतने क्यों दुखी हो रहे हो, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। आत्मदेव बोले महाराज मैं बिना पुत्र का हूं, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं जिस गाय को पालता हूं वह गाय भी बछड़ा नहीं देती, मैं जिस वृक्ष को लगाता हूं वह वृक्ष भी फल नहीं देता, मैं ऐसा दुखी हूं, मैं निपुत्री हूं, प्रभु मेरे ऐसा कोई उपाय करिए कि मुझे पुत्र हो जाए, क्योंकि बिना पुत्र के तो पितृ लोग पिंडदान भी स्वीकार नहीं करते, हाथ का दिया हुआ जल भी स्वीकार नहीं करते, पुत्रहीन का संसार में कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है, प्रभु अतः आप या तो मुझे पुत्र दीजिए और या तो मैं आपके श्री चरणों में सर पटक पटक करके अपने प्राण गंवा दूं। ऐसा दृढ़ निश्चय देखा, संत पिघल गए और भैया बोले हे ब्राह्मण, उस पुत्र की प्राप्ति से तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। नयास्यसि सुखं पुत्रात् यथा दैवहतोद्यमा। जैसे दुर्भाग्यवश परिश्रम करने पर भी फल नहीं मिलता और बड़ा कष्ट होता है, ऐसे ही तुम्हें पुत्र प्राप्ति अगर हो भी जाएगी तो तुम्हें उस पुत्र से कोई सुख नहीं मिलेगा, अतः पुत्र के लिए हट मत करो। देखो महाराज सगर के 60,000 बेटे थे, क्या सुख दिया, महाराज अंग के बेन जैसा बेटा हुआ, क्या सुख दिया, पुत्र न जन्मे एक दुख और जन्मे दुख हजार, अगर पुत्र पैदा ना हो तो यही कष्ट है कि मेरे बेटा नहीं है, लेकिन अगर बेटा पैदा हो जाए तो महाराज बड़ा कष्ट है, एक के बाद एक जन्मे दुख हजार। अतः आप जो है पुत्र के लिए हट मत करो। बोले महाराज मेरा तो ये निश्चित है पुत्र प्राप्त होगा और नहीं होगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा।
जब बात ऐसी सुनी तो बोले ठीक है महाराज, आप नहीं मान रहे हो तो संत पिघल गए और अपनी झोली से एक फल निकाल करके ब्राह्मण को थमा दिया। कहा कि आप अपनी पत्नी को जाकर के ये फल दे देना और इस फल के प्रभाव से उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण चरणों में दंडवत करके महात्मा की प्रदक्षिणा करके फल को अपनी गोद में लेकर के चल दिया। सत्य है, संतों की महिमा ऐसी ही होती है। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगे, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगे, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगे, संतन के संग लागे रे अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संपन्न के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे अच्छी बनेगी। संग पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोलो संत भगवंत की जय।
महाराज जी एक गांव के बहुत बड़े मुखिया थे, बहुत बड़े चौधरी थे, सब सुख सुविधाएं उनके घर में भरी पड़ी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनके कोई संतान नहीं थे। बहुत दुखी थे, कोई उपाय नहीं मिल रहा था। नारद जी का उनके यहां आना जाना था, तो चौधरायन ने नारद जी से पूछा, नारद जी आप तो भगवान से आपके सीधे संबंध हैं, आपका तो भगवान के यहां आना जाना है, क्या मुझे पुत्र नहीं मिलेगा? नारद जी बोले, मैया बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन बिना भगवान के पूछे मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता। बोले ठीक है भगवान, अब की बार जब आप आए तो पूछ के आना। नारद जी भगवान नारायण के पवित्र नामों का उच्चारण करते करते ब्रह्मलोक में पधारे। ब्रह्मा जी से, पिताजी से प्रश्न किया, ब्रह्मा जी ने कहा इस बात का उत्तर तो भगवान स्वयं ही देंगे, और भगवान नारायण के पास चले गए। भगवान ने कहा, भैया नारद जी प्रश्न तो तुमने बहुत उत्तम पूछा है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 7 जन्म तक उसके कोई बेटा नहीं होगा। नारद जी तो भगवान का उत्तर सुनकर के चले आए। आकर के जब उस गांव में आए तो चौधरायन के पास गया। चौधरायन तो इंतजार कर रही थी नारद जी का, आते ही अपना प्रश्न रख दिया। नारद जी ने बिना कुछ उदासीन भाव से ही कहा कि देवी भगवान ने कहा है कि 7 जन्म तक तेरे कोई संतान नहीं है। बिचारी बड़ी दुखी हुई। नारद जी अपने ब्रह्मलोक में चले गए। एक दिन एक महात्मा आए और चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि जो एक रोटी दे तो एक बेटा, और 2 रोटी दे तो 2 बेटा, और 4 रोटी दे तो 4 बेटा। महाराज चौधरायन ने सुन लिया और जाकर के लपक करके गई, और दौड़ी दौड़ी जाकर के महाराज को प्रणाम करके बोली, महाराज मेरे घर चलिए, मैं आपको इकट्ठी 4 रोटियां दे दूंगी। और महात्मा को घर लिवा करके ले गई और कहा, महाराज गिन के नहीं बल्कि आप तृप्त होकर के भोजन पाइए। बोले नहीं गिन के लेंगे। महात्मा के लिए उसने, उस बुढ़िया ने, उस चौधरायन ने 4 रोटियां दी, और महात्मा उन रोटियों को लेकर के आशीर्वाद देकर के चले गए। धीरे धीरे भगवान की कृपा हुई और समय के अनुसार उस चौधरायन को 4 बेटे मिले। 4 बेटे हुए उसके, 4 बेटे हुए। चौधरायन बड़ी खुशी, बेटे दिनों दिन बढ़ने लगे, चहल पहल हो गई, किलकारियां गूंजने लगी आंगन में। एक दिन फिर नारद जी आ गए। अब नारद जी जब आए तो बड़े सम्मान से ले गई लेवा करके और कहा कि महाराज विराजमान होजिए, आप विराजे, मैं आपका सम्मान करना चाहती हूं। नारद जी विराजे, बातें होने लगी। बोले बालक किसके हैं? बोले प्रभु इसीलिए तो मैं कह रही हूं, आपने भगवान से पूछ करके कहा था कि 7 जन्म तक संतान नहीं है। एक महात्मा आए, बड़े भोले वाले बेचारे, और मैंने उनको 4 रोटी खिलाई, उनकी घोषणा थी कि 1 रोटी से 1 पुत्र मिलेगा। मैंने 4 रोटी खिलाई और उन्हीं की प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप मुझे 4 बेटे मिले हैं। सो महाराज तुम्हारी बात में और भगवान की बात में मुझे कोई दम नहीं मिला, मुझे दम मिला तो उस महात्मा की बात में मिला। नारद जी तो लज्जित हो गए और जाकर के भगवान के दरबार में गए। भगवान से कहा, प्रभु आज तो बड़ी शर्म की बात है, बड़ी लज्जा की बात है, प्रभु मुझे बड़ा लज्जित होना पड़ा है और आपके कारण।
उसके तो जो मैंने पूछा था उसके तो चार चार बेटे खेल रहे हैं। अब भगवान ने ये बात सुन ली और अनसुने का बहाना करते हुए भगवान दुख के कारण, वेदना के कारण, पीड़ा के कारण कराने लगे। और जब कराने लगे तो नारद जी घबराए, बोले महाराज क्या बात है? बोले मेरे सीने में दर्द हो रहा है, भयंकर दर्द है, प्राण निकलना चाहते हैं नारद जी, अब मैं क्या करूं? बोले महाराज मेरे लायक कोई सेवा? बोले हाँ, तुम्हारे लायक सेवा यह है कि एक कटोरा ले जाइए और ये छुरी ले जाइए और जाकर के चले जाओ, अगर कोई अपने जिगर से रक्त निकाल करके, मांस काट करके इस कटोरे को भर देगा और उस कटोरे को तुम मेरे पास लाओगे तो मेरा दर्द शांत हो जाएगा। नारद जी बोले महाराज मैं जरूर जाऊंगा और कोई न कोई तो मिल ही जाएगा। नारद जी कटोरे को और छुरी को लेकर के चले और समस्त लोगों में यह घोषणा करने लगे कि भगवान को असह्य पीड़ा हो रही है, भगवान को असह्य दर्द हो रहा है, बड़ी वेदना हो रही है, अतः कोई भक्त अगर अपने जिगर का खून और मांस भगवान को समर्पित कर दे, अपने शरीर का मांस भगवान को समर्पित करते तो भगवान का दर्द ठीक हो सकता है। इससे पहले भगवान के दर्द होने का, भगवान के दर्द को ठीक होने का कोई उपाय नहीं। अब जब ये बात सुने तो सब पीछे को हट जाएं। परेशान होकर के नारद जी जंगल से लौट करते हुए बोले कि अब तो मुझे भगवान के धाम को चलना चाहिए, यहाँ कोई नहीं मिलेगा। जैसे ही जंगल से जा रहे थे एक पेड़ के नीचे एक महात्मा भजन कर रहे थे। नारद जी के मुख से उन्होंने सुना कि भगवान को असह्य पीड़ा है, सीना में दर्द है और वो मांस से ठीक होगा, रक्त से ठीक होगा। तो नारद जी को बुला लिया और कहा कि महात्मा जी इधर आओ, भगवान को अगर पीड़ा है तो उसे मैं ठीक करूंगा। कहां है वो पात्र? बोले लीजिए। कहां है वो छुरी? बोले लीजिए। नारद जी ने सहर्ष वो पात्र और वो छुरी, वो चाकू महात्मा की तरफ बढ़ा दिया। महात्मा ने जोर से चाकू मारा और अपने वक्षस्थल को चीर करके जो रक्त बहने लगा कटोरा को लगा लिया। फिर अपनी बाजुओं को, अपनी जंगाओं को चीर चीर करके टुकड़े, मांस के टुकड़े निकाल निकाल करके कटोरे को भरने लगे। नारद जी देखते रह गए और भगवान का गुणगान कर रहे हैं। बोले आज मेरा ये शरीर धन्य हो गया, आज मेरी भक्ति सफल हो गई, आज मेरी तपस्या सफल हो गई कि यह नश्वर शरीर भगवान के काम आ सका, आज मेरे प्राण भी चले जाए तो कोई चिंता नहीं। ऐसे प्रसन्न मन से उसने कटोरा भर दिया। कटोरे को लेकर के नारद जी भगवान के धाम में, भगवान के पास पधारे और बोले प्रभु आप कैसे हैं? ये कटोरा लीजिए और मैं मां से भरकर लाऊं। जंगल में एक महात्मा ने ये सब बिल्कुल लबालब भर दिया है, आप अपने दर्द को शांत कीजिए। भगवान मुस्कराए और कहा नारद जी ऐसे जो मेरे भक्त हैं, ऐसे जो मेरे प्रियजन हैं, मैं अपनी बात को टाल सकता हूं लेकिन इन संतों की, इन भक्तों की बात को नहीं टाल सकता हूं। मेरा विधान सात सात जन्म तक संतान नहीं, मैंने तुमसे कहा था, उसके लिए मेरी बात झूठी हो सकती है, मेरा विधान झूठा हो सकता है, लेकिन संत के मुख से निकला हुआ आशीर्वाद कभी झूठा नहीं हो सकता। संत के लिए मैं अपनी बात को भी पलट सकता हूं और अपने विधान को भी पलट सकता हूं। सुनो ये कटोरा मैंने आपके हाथ में दिया था, आप भी इस औषधि को अपने पास से दे सकते थे लेकिन आपके दिमाग में, आपके विचारों में वो ख्याल नहीं आया। सुनो ये चार चार संतान उसके हुई हैं, ये इसी संत के आशीर्वाद से हुई हैं। बताओ मैं ऐसे संत की बात को कैसे उल्लंघन कर सकता हूं? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो संतों की ऐसी महिमा है महाराज, जो भगवान भी न कर सकें वही काम
संत और गुरु कृपा से संपन्न होता है। महाराज ये ब्राह्मण उस फल को लेकर के आए और आकर के अपनी ब्राह्मणी को समर्पित कर दिया, कहा कि महात्मा का आशीर्वाद है, महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, हे देवी आप इसे आरोग ना, आप इस फल को प्राप्त कर लो, प्रसाद को पालो, तुम्हें सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। धुंधली ब्राह्मणी ने इस फल को तो ले लिया, ब्राह्मण चले गए, बोले महाराज मैं स्नान आदि से पवित्र होकर के इस फल को खा लूंगी, आप चिंता मत करो। अब वो मन में सोचने लगी कि अगर मैं इस फल को खा लेती हूं तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगी तो मैं तृप्त होकर के अच्छी तरह से भोजन नहीं कर सकूंगी, भोजन नहीं कर सकूंगी और कदाचित कहीं भागने की जरूरत पड़ गई, गांव में डकैत वगैरह लुटेरे वगैरह आ गए तो मैं आत्मरक्षा के लिए भाग भी नहीं सकूंगी, मेरे शरीर की सुंदरता समाप्त हो जाएगी। इस तरह नकारात्मक विचार उसके मस्तिष्क में आने लग गए और उसने सोचा कि अब मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। सौभाग्य से उसकी बहन आई हुई थी और इस अपने मनोरथ को अपनी बहन से कहा, बहन बड़े अच्छी बात है कि तुम भी यहां विराजमान हो, मेरे पतिदेव ने यह फल ला करके मुझे दिया है, कहा कि तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा, तुम इस फल को खाने से गर्भवती हो जाएगी, अतः हे देवी आप इस फल को खा लो। सुनो मैं इस फल को नहीं खाना चाहती क्योंकि मेरा तो शरीर ही बिगड़ जाएगा, मैं तो पराश्रित हो जाऊंगी, पुत्र होगा तो ननद आएगी, ननद आएगी तो जब तक एक महीने तक वह रहेगी और एक महीने में मेरे घर का सारा धन लूट करके ले जाएगी, वो ले जाएगी कुछ पंडित जी अपने हाथ से दे देंगे, अतः धन भी चला जाएगा, नंद ले जाएगी, नंद से ईर्ष्या है और मेरा शरीर भी बेकार हो जाएगा, अतः मैं इस फल को खाना नहीं चाहती। बहन बोली चिंता मत करो, इस फल को मत खाओ, मैं गर्भवती हूं और मेरा जो पुत्र होगा, मेरी जो संतान होगी, वह मैं चुपके से तुम्हें दे दूंगी और तुम अपने पतिदेव को बता देना कि मेरे संतान मेरे पुत्र पैदा हो गया है। बोले ये ठीक है, पुत्र भी मिल गया और गर्भ भी धारण नहीं करना पड़ा। बोले इस फल का क्या करूं, बोले परीक्षा हो जाएगी, तुम्हारी गाय को भी तो बछड़ा नहीं होता है, इस फल को अपनी गाय को खिला दो,